नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे सरकारी सिस्टम के बारे में जिसमें पहले पुल, उसके बाद अस्पताल और अब पंचायत भवन के चोरों ने चोरी कर ली है। बिहार में चोरी की घटना तो आम है, जैसे कि किसी की दुकान से शटर काट कर चोरी कर लिया गया हो या फिर किसी के घर में दिन में ही चोरी कर लिया गया हो। इस तरह की घटनाओं को मीडिया में भी खूब जगह नहीं दिया जाता। इसके पीछे कारण यह है कि अब चोरी का स्तर भी बड़ा हो गया है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से चोरी की जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि अब छोटी मोटी चोरियों तो आम है। अब आप ही बताइए ना, पिछले दिनों जो खबर निकल कर सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि बिहार में एक लोहा का पूरा पुल ही चोरी हो गया। उस चोरी की घटना का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक अस्पताल का मामला सामने आ गया। अब इस अस्पताल के मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या फिर नहीं हुई है, इसकी पड़ताल भी नहीं हुई। और अब जो है एक ताज़ा मामला सामने आ गया जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक पंचायत भवन की चोरी हो गई है, वह भी प्रदेश के राजस्व मंत्री के क्षेत्र में। जरा सोचिए, चोरों की इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, या फिर हम कहें कि सरकारी तंत्र इन चोरों के साथ मिला हुआ है क्या, या फिर इन चोरों को भय ही नहीं है कि चोरी के बाद उन्हें सजा मिल पाएगी। अब आइए हम इस पूरे मामले को आगे विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह हुआ कैसे। हमने आपको पहले ही बताया कि यह माननीय मंत्री जी के इलाके में आने वाला यह क्षेत्र है। यह पंचायत भवन औराई प्रखंड से आता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो औराई के पंचायत भवन को वहाँ के मुखिया व पंचायत समिति ने मिलकर बेच दिया। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बुलडोजर से पंचायत भवन को तोड़कर एक एक ईंट बेचा गया है। जब यह पूरा प्रकरण सामने आया तो पंचायती राज अधिकारी ने इस पूरे मसले को लेकर रिपोर्ट तलब किया, जबकि दो दिन बीत जाने के बाद ही मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभाग की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर प्रखंड पंचायती राज अधिकारी गिरिनेश नंदन ने बताया कि 29 अप्रैल के बाद से पंचायत सचिव छुट्टी पर है, उनका मोबाइल अभी तक बंद आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला पंचायती राज अधिकारी को भी मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उनके दिशा निर्देश में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पंचायत भवन को लेकर बताया गया है कि 15 साल पहले इस पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। इस भवन को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को प्रखंड पंचायत राज अधिकारी को इसको बेचे जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जब मुखिया से इस बाबत पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद 27 अप्रैल को जब प्रखंड पंचायत राज अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ पर पंचायत भवन है ही नहीं, मतलब कि गायब हो गया। जब इस बाबत पंचायत सचिव से पूछा गया तो उन्होंने पंचायत भवन की नीलामी की बात नहीं कही है। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर औराई के मुखिया से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वहां पर बैठने की जगह तक नहीं थी, इसलिए उसको तोड़ा गया है। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस स्थान पर सामुदायिक भवन बनाया जाना है। जब इस पूरे मामले पर पंचायत के पंचायत सचिव से इस बात करने का प्रयास किया गया तो एक तो उनसे बात नहीं हो पाई, दूसरा उनका मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। ऐसे में अब बिहार की छवि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सुधरी थी, अगर यही हालात रहा तो बिहार की छवि एक बार फिर से धूमिल होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार की सड़कें और बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से चोरी की खबरें मीडिया की सुर्खियाँ बन रही है, जिसमें कि पहले लोहे का पुल, उसके बाद एक अस्पताल और अब जो जिस तरह से पंचायत भवन की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, गलत तरीके से बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद से एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि बिहार की छवि देश के अन्य राज्यों में धूमिल होती जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।